महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को प्रदेश सचिव व महानगर प्रभारी परवेज खान के नेतृत्व में बेतिहाता स्थित टेलीफोन कॉलोनी में सेवा सत्याग्रह के तहत कैंप लगाकर होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों को मेडिसिन किट का वितरण किया, जिसके संबंध में महानगर प्रभारी परवेज खान ने बताया कि पार्टी के निर्देश पर पूरे देश में कोरोना मरीजों को मेडिसिन किट का वितरण किया जा रहा है, जिसके तहत महानगर में भी मेडिकल किट का वितरण किया गया है। उन्होंने बताया कि यह कैंप कोरोना के खात्मे तक जनपद के अलग अलग हिस्सों में चलता रहेगा। इस अवसर पर महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशुतोष तिवारी, डॉक्टर सुरहिता करीम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्टी के प्रदेश सचिव व महानगर प्रभारी परवेज खान ने कहा, नाम बताइए अपनी। यहाँ चेक कर रहे उधर चले जाओ, लिखा है नहीं है। फटाफट काम कर रहा है। महिलाओं के भी आगे करो यार, महिलाओं के आगे ना बढ़े, लोग आगे कर दीजिए। ढेर में नहीं मर रहे हैं, पेशेंट भी दिखा ना। मेरा नाम परवेज खान है, मैं जो प्रदेश सचिव हूँ और गोरखपुर का प्रभारी हूँ। ये हमारे नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे प्रदेश में गरीबों ज़रूरतमंदों के लिए ये कोरोना के प्राथमिक उपचार के लिए दवाओं का वितरण किया जा रहा है। ये चेकअप और दवा का वितरण पूरी तरह से निःशुल्क है। पूरे प्रदेश में हर ज़रूरतमंद को ये दवा निःशुल्क कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा दी जा रही है। इसी क्रम में आज यहाँ पर ये कैंप लगाया गया है, जहाँ पर डॉक्टर उनका चेकअप कर रहे हैं और ज़रूरतमंदों को दवाइयाँ दी जा रही हैं जी। ये कैंप जो है लगातार जब तक कोरोना समाप्त नहीं हो जाएगा, तब तक ये कैंप कांग्रेस पार्टी की तरफ से चलता रहेगा।